स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और टू आईआईटीएन पर कंसेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू आईआईटीएंस के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हूज सेंटर इज 0, -4 एंड टचेस द एक्स एक्सिस। तो देखिए, ये जो हमारे सामने जो सर्कल है, अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिए हमें कैसी फिगर मिलेगी। ये हमारी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल में हमारी ये एक्स एक्सिस है, तो ये आपका एक्स हो गया, वाई, वाई डैश और ये आपका एक्स डैश। अब देखिए 0, -4 कहां पर लाई करेगा, 0, -4 क्या है, सेंटर है सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर अगर 0, -4 है तो, और ये एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, तो देखिए मान लीजिए इसका सेंटर यहां कहीं पर कोऑर्डिनेट होगा 0, -4 और ये जो हमें सर्कल मिलेगा ये कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, थोड़ा और दूर कर देता हूं सेंटर को ताकि ये एग्जैक्ट सर्कल मिले। ठीक है, तो मान लीजिए यहां कहीं कोऑर्डिनेट हमारा होगा, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो यहां पे होंगे। ठीक है, और ये क्या, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0 और जो हमारा सेंटर है, सेंटर सी एच कॉमा के, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 0, -4। तो फिगर में लिखने के बजाय मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, द गिवेन सर्किल इज टचिंग एक्स एक्सिस एट द पॉइंट O, ओरिजिन को पॉइंट O बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0 एंड सेंटर ऑफ द सर्किल सी एच कॉमा की इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0, -4। अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ओरिजिन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखिए इसमें जो रेडियस होगी सर्कल की, जो सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ओरिजिन और सेंटर की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0, -0 होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो जाएगा 0, +4 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगी, जो रेडियस है वो क्या मिल जाएगी, वो आपको 4 यूनिट मिल जाएगी। रेडियस कितनी है, 4 यूनिट है। तो इतना पोर्शन आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए हमारे पास सेंटर और रेडियस दोनों है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय x-h होल स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x, x और इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, h की जगह पर रखेंगे 0, तो x-0 होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका y+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर,
तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस और ये आपका वाई स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस एट वाई इक्वल टू फोर का स्क्वायर। तो देखिए फोर के स्क्वायर से फोर का स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा, फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट वाई इक्वल टू जीरो। तो बस यही आपका फाइनल आंसर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर 3,4 है और ये वाई एक्सिस को टच करता है। तो देखिए इसको पहले फिगर हम बना लेते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसा होगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। तो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है सर्कल का जो सेंटर है वो 3,4 है और वाई एक्सिस को वो टच करता है। चलिए भाई वाई एक्सिस को टच करेगा, तो देखिए ये हम बना ले रहे हैं सर्कल, आप देखिए सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर ये आपका है 3,4। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात ये है कि अगर इसका सेंटर ये 3,4 है तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इसने जो यहां से जो ऑर्डिनेट जो ये चला होगा ये कितना होगा, ये 4 होगा। देखिए ये जो पॉइंट हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,0 और ये जो ऑर्डिनेट है यानी कि वाई एक्सिस पे ये कितनी लेंथ ट्रेवल किया है वो कितनी है, वो 4 यूनिट है। तो यानी इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0,4। क्यों, क्योंकि ये यहां पर वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इस बात को इसमें हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेंटर ऑफ सर्किल सी एच कॉमा के इज इक्वल टू 3,4 एंड रेडियस ऑफ सर्कल विल बी गिवेन बाय क्या हो जाएगी, रेडियस आर, आर इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल सर्कल। तो अब देखिए इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका 0,4 है और ये आपका 3,4 है। तो देखिए ये 4-4 तो ये आपका कट जाएगा, तो जो रेडियस आपकी सॉल्व होकर के आएगी वो आपकी 3 यूनिट है, यूनिट आपकी रेडियस आएगी। आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके आप डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप डायरेक्ट लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आपको सेंटर, आपको रेडियस मिल गई है, रेडियस आर आपको मिल चुकी है और सेंटर सी एच कॉमा के आपको कितना गिवन है, आपको गिवन है 3,4 गिवन है। तो बस अब ये इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी।
तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर माइनस एट वाई इक्वल टू नाइन। ठीक है, तो थ्री स्क्वायर से नाइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई और प्लस फोर स्क्वायर आपका हो जाएगा सिक्सटीन। तो ये आपका इक्वल टू जीरो। बस ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है यही आपका फाइनल आंसर है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।